नमस्कार दोस्तों, एडवोकेट डीपी पांडे की आज की इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आजकल रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और लोग बहुत जल्दी फाइनल डिसीजन तक पहुंच जाते हैं कि वो डिवोर्स चाहने लगते हैं। यदि समूह के तौर पर कुछ कंप्रोमाइज करनी हो तो लोग हिचक सी बनी रहती है लोगों में और कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। अक्सर यह भी देखा गया है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कई लोग इंटरफियर करने लगते हैं, हस्तक्षेप करने वाले होते हैं, जिसकी वजह से रिश्ते चल नहीं पाते। फिर भी यदि आप इस वक्त सोच रहे हैं कि डाइवोर्स लेना चाहिए या एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं, तो इसमें मैं आपको कुछ जोरी बातें बताऊंगा जिसे जानना बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कभी भी सही जानकारी नहीं होती और आपका भला नहीं करती। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, देखने का मन न हो तो वीडियो को यहीं बंद कर दें। तो दोस्तों, डिवोर्स के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो पहले श्योर हो जाइए कि क्या आपने पूरी तरह से सोच लिया है, क्या आपने अपने अंदर भी परिवर्तन करके देख लिया है, परिवर्तन करने की कोशिश किया है, क्या आपने सभी प्रयास कर लिए हैं। यदि सभी प्रयास कर लिए हों तो ही इसके बारे में सोचें, क्योंकि एक बार इस राह पर निकल पड़े हैं तो फिर वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। अगर समझौता से आ भी जाते हैं तो रिश्तों में गांठ पड़ जाती है। इसलिए खूब सोच समझ लीजिए। विधिक रूप से भी दिक्कतें आती हैं तो बढ़िया से इसको सोचिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। दूसरा है कि सभी तरह की लीगल नॉलेज इकट्ठा कर लेना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं कि 2 माह के भीतर डिवोर्स मिल जाएगा। बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, क्योंकि इसमें समय लगता है और भारत में डिवोर्स लेने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। इसको पूरी तरह से समझ लेना चाहिए, फिर आगे कदम उठाना चाहिए। नंबर 3 बात, अधिकार, राइट। तो दोस्तों, आप ये जानें कि अधिकार क्या है आपके। अपने अधिकारों के बारे में जान लेना चाहिए, आपके क्या अधिकार हैं, पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। यदि आप पुरुष हैं तो आपके पास क्या अधिकार हैं, यदि आप महिला हैं तो आपके पास क्या अधिकार हैं, तभी इनिशिएट कर लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को जान लेना चाहिए। नंबर 4 बात, प्राइवेसी। दोस्तों, जब हम अपने पार्टनर से क्षुब्ध होते हैं, नाराज होते हैं, डिवोर्स लेने के लिए कदम आगे बढ़ा चुके होते हैं या बढ़ाने वाले होते हैं, तो बहुत कुछ शेयर करते हैं, तो प्राइवेसी हो, प्राइवेट रखें। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कौन सी नहीं करनी है, किस फोरम पे करनी है, किस प्लेटफॉर्म पे करनी है, इसका ध्यान रखना चाहिए। उतावलेपन में आके ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए जो आपके डिवोर्स लेने के प्रोसेस में मदद करने के बजाय आपका दूसरा पार्टनर के लिए वो सपोर्ट करे, उसे कुछ तथ्य मिल जाए, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्राइवेसी बहुत ज़रूरी होती है। 5वां, अगर आप किसी तरह से दूसरे पक्षकार के साथ घटना घटित हो रही है, आप किसी पक्षकार, वो मेल हो या फीमेल हो, किसी के साथ कोई ऐसी घटना घट रही है, एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष में की जा रही है, तो इसमें बिना हिचके, बिना डरे, बिना सोचे पुलिस में कंप्लेन ज़रूर करनी चाहिए, जो आगे चलकर डिवोर्स लेने के प्रोसेस में काफ़ी मदद करेगा। इसको बिना डरे, बिना हिचके ये काम ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात में है
कि आपने प्राइवेसी कर लिया, सोच समझ लिया, सब कुछ कर लिया और आप पूरी तरह से रेडी हैं कि नहीं आप डिवोर्स लेंगे, तो इस बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए जो सबसे बड़ी समस्या आके खड़ी हो जाती है, फाइनेंस की, पैसे की। इसके बारे में सोच लेना चाहिए। यदि आप फीमेल हैं तो इसमें ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके पास बच्चे हों, आपके अपने खर्चे हों, डिवोर्स लेने में समय लगेगा, कोर्ट इतने जल्दी आपको मेंटेनेंस नहीं दिला सकती, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस से गुजरने के बाद ही आपको करना पड़ेगा, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए आपको इस बात से भी श्योर कर लेना चाहिए कि जो आप करने जा रहे हैं फिनांस के बारे में ज़रूर सोच लें। लेकिन यदि आप पुरुष हैं तो उन्हें भी यह तय कर लेना चाहिए कि क्या वह अपने आप को फाइनेंशियली ठीक समझ रहे हैं, क्योंकि तनाव के कारण आपका काम में, आपका व्यवसाय में मन नहीं लगेगा, प्रभावित हो सकता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पे ज़रूर सोच लेना चाहिए। नंबर 7, कि सोच समझ कर एक्शन लें। दोस्तों, ताव में आकर लोग एक्शन ले लेते हैं। यदि अधिवक्ता से सलाह लेकर एक्शन लेते हैं तो ज़्यादा ठीक है, सोच समझ कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं तो वो ज़्यादा ठीक है, बजाय इसके कि उतावलेपन और जज के स्वभाव होने के कारण अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। 8वां, थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन जरूर करना चाहिए, गुंजाइश। दोस्तों, सारे प्रयास करने के बाद, एक समय जाने के बाद कभी कभी कुछ गुंजाइश दिखती है। यदि सारे प्रयास कर लेने के बाद आपके पार्टनर के प्रति, आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं, जो भी हैं, अगर जरा सा भी प्यार बचा हुआ है, वो पति हो या पत्नी हो, यदि लगता है कि थोड़ा भी प्यार बचा है तो इसमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और एक कदम आगे बढ़ाकर उस प्यार का इजहार जरूर करना चाहिए। इससे शायद ये टूटते हुए रिश्ते बन जाएंगे और आपका परिवार बच सकता है। तो बिना किसी ईगो के, बिना किसी अहम के, इसमें जिस किसी को भी लग रहा है उसे एक कदम आगे बढ़ा के ऐसा करना चाहिए, क्या पता रिश्ते टूटने से बच जाए। 9वां कारण है काउंसलिंग। दोस्तों, मैरिज काउंसलिंग जरूर करा देनी चाहिए। कभी कभी टूटते हुए रिश्ते सारे प्रयासों के करने के बाद भी अंत में मैरिज काउंसलिंग की वजह से रिश्ते बन जाते हैं। होता क्या है कि दोनों पक्षकार यह समझते हैं कि वो सही हैं, वो सही हैं, और अपने अपने नज़रिए से अपनी सही बातों को सिद्ध करने में परेशान रहते हैं। लेकिन जब काउंसलर उसे देखता है, दोनों की बात सुनता है, तो वो अपने ढंग से दोनों की बात सुनने पर तय करता है और बताता है कौन सही है, और दोनों का जब बोध कराता है तो कभी कभी मैरिज काउंसलिंग की वजह से भी रिश्ते बच जाते हैं, तो इसका भी प्रयास जरूर कर लेना चाहिए। 10वां है हायर एडवोकेट। जब सारे रास्ते आजमा चुके हों तो किसी अधिवक्ता की सलाह से डिवोर्स फाइल कर लेना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मैंने अब तक जो बताया उस सारे रास्तों से गुजर के आइए, तो ये काम करिए और किसी अच्छे अधिवक्ता को समझ कर, सोच कर, उनसे राय लेकर और इस तरह से विधिक कार्रवाई तब करिए और कोशिश करिए कि रिश्ते बने रहें, क्योंकि रिश्ते 7 जन्म के होते हैं, एक बार कोई बंध गया तो जीवन भर नहीं टूटता। इसलिए हमें प्रयास है कि कम से कम इस जन्म में तो इस रिश्तों को बांध के रखें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, इसके अलावा डाइवोर्स लेने की प्रक्रिया जो है, उसमें कैसे क्या होता है, क्या किया जाता है, किस तरह से आना है, विधिक कार्रवाई कैसी करनी है, इस पे कोई जानकारी चाहिए
तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आपको जानकारी देंगे और अगली वीडियो में हम लेके आएंगे कि तलाक यानी डिवोर्स कैसे दाखिल किया जाता है और क्या क्या इसके ग्राउंड हैं। तो सो दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।